हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। सो दोस्तों, साढ़े गोवा ट्रिप का अज हैगा जी 9वां दिन। सो असी अज गोवा तो वापसी करन दी तैयारी कर रहे हैं जी। सवेर दे वजे है जी 3:30, असी 4 बजे के करीब इतों निकलेंगे जी। असं मतलब रेडी है हूँ पूरी तरह इतों निकलने लिए। सो अज की साड़ी ड्राइव जी थोड़ी लंबी होगी जी। अज साड़ी ड्राइव हैगी अप्रोक्सीमेट कोई 750 से 800 किलोमीटर की है। मतलब वो देखा कितने के जाके मतलब साडा रुकन का बनता, क्योंकि असं कोई भी इतना फाइनल करके नहीं चले गए। असं इतें रुका, क्योंकि असं वैसे लैके चले हुए हैं कि मैक्सीम ड्राइव अच्छा 800 किलोमीटर करिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइव है। सो असं अच्छ 4 बजे इतों पूरे तड़के मतलब सवेरे सवेरे निकलेंगे, और आई थिंक असी शाम के 7-8 बजे तक ड्राइव करा, कोशिश करा कि 800 किलोमीटर कंप्लीट कर दीए। सो असी अज पक्का नहीं है कि स्टे कितने करते हैं, बट तुहानू फिर नाल दी नाल अपडेट तो तुहानू मिल ही जानी है कि कितने स्टे करा। इंस्टाग्राम से नाल दी नाल असी अपडेट रहीदा जी बिल्कुल, क्योंकि इहदियां तो वीडियोज़ लेट आउंदियां आ ब्लॉग्स दियां, पर यह है कि असी इंस्टाग्राम से नाल दी नाल अपडेट रहने तो तुहानू उत्थों पता चल जाएगा असी कितने मतलब स्टे की आ। बाकी वीडियोज़ तो 1-2 दिन के फर्क के नाल नाल दी नाल आ ही रही है। सो असी निकलते हैं जी गोवा, आखते हैं अलविदा, तो मिलते हैं जी राहां दे विच, नाल दी नाल तुहानू दिंदे आ अपने गोवा टूर की अपडेट। सो बने रहो जी साडे नाल। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी सारियां नूं। जिदा कि तुहानू पता ही है जी 4 बजे तो असी सवेरे चल पे सी, निकल गए सी गोवा तो। हुण असी गोवा तो काफ़ी बाहर आ गए हैं जी, कोई 150-200 किलोमीटर के लागे छागे असी गोवा तो बाहर आ गए हैं। सो अज की साड़ी रात की स्टे है जी बापी बापी गुजरात से साड़ी स्टे है जी अज की। सो अजे तक ये तो दिखा रहा जी गूगल मैप तो दिखा रहा कि असी उत्थे पहुँचना जी शाम को 6 बजे। सो देखते हैं 6 तो बाद, मतलब ये तो डायरैक्ट ड्राइव का दिखा रहा, असं रस्ते रुका रोटी पानी भी 2 बारी खावे, उ 8-9 बजे का आइडिया ला के चलो कि असी शाम के 8-9 बजे तक पहुँचा, क्योंकि आते टाइम साड़ी ड्राइव असी करी दी सी मिनीम 500 मैक्सीमम 500 किलोमीटर, 350-400 किलोमीटर साड़ी डेली की ड्राइव सी। बट हूँ असी ड्राइव थोड़ी वापसी के टाइम वधाती है, सो साड़ी हूँ डेली की ड्राइव होया करेगी जी 700 से 800 किलोमीटर। और इधर मौसम भी थोड़ा इदा कि बारिश वगैरह का है, ता करके गड्डी भी कोई एड्डी तेज़ नहीं चला होंगी। पर यह है कि असी जिधरों आए थे वो होर रूट से, असं हम जिधरों वापस जा रहे हैं जी ये डिफरेंट रूट है। जो असी आए थे उदो असी मुंबई च एंटर नहीं हुए थे, हुण जिहड़ा ये रूट साडा जांदा पिया जी, असी वाया मुंबई जाना है। और जिदा कि तुहानू वीडियो देखता पाया बारिश काफ़ी पै रही है, महाराष्ट्र च बारिश काफ़ी हो रही है। सो असी ट्राई करते हैं कि एक तो ड्राइव भी सेफ करिए, बट एक रोड बहुत सोहने करके वधिया चलता पिया आ। तो हूँ असी रस्ते दे विच इदा दे वैदर दे विच तुहानू ड्रोन उड़ा के भी नहीं दिखा सकते, बट यह है कि एरिया बहुत सोहना आ, जिथे कितें वैदर थोड़ा सही होगा ट्राई करांगे ड्रोन उड़ाउण दी, तुहानू सीनरी दिखाउण दी वैलीज दिखाउण दी ट्राई करांगे। वाह जी वाह, मौसम रोड नाल सोहना, रोड मौसम तो भी सोहनी, वाह जी वाह। तुसी देख रहे हैं जी राइट नाउ पट्ठे वाले बदलों तो भी उत्ते घूम रहे ने, बदल थले पट्टे वाले उपर घूम रहे ने। हुण जी डाउन स्टार्ट हुई है, असी पिछले 1.5 घंटे तो बस एक पहाड़ी उपर चढ़ते जा रहे थी, चढ़ते जा रहे थी, बदल थले रह गए थी, असी उपर सीगे थले हवावां दे नाल बदल तां नूं आ रहे थी, मीह पैना बंद नहीं हो रहा सी। सो फाइनली आ थोड़ी सानूं हुण उतरा देखण नूं मिलिया कि असी नीचे वालों जा रहे हैं, तो बहुत वधिया फील हो रहा, क्योंकि सानूं तां लगता सी खरे रब ने उपर आ के हाथ रखना काका बस करो मेरे तक पहुँच गए हैं, तो बट नहीं थले नूं मुड़ पै गया जी। तुसी वैदर का आनंद माण सकते हैं, महाराष्ट्र का वैदर 1 नंबर, वाह जी वाह। वैदर महाराष्ट्र का सोहना, तो धुप पंजाब की भी सोहनी, वाह जी वाह।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਡੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਗਰੋਹ ਪ੍ਰੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ क्या बात है क्या बात क्या बात ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਟੂ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਨਲ 'ਚ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਤੋਂ 4 ਟਨਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ 500 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਆ ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਆ ਕੁਛ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੋ ਆਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਨਲ ਹੈ ਜੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਨਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ